की कहानी है बेटा बहू। तुम अब तभी आना हमारे पास जब हमें नौकर नहीं माँ बाप समझो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आलोक बाबू और उनकी पत्नी सीमा ने अपने इकलौते बेटे को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। अपनी सीमित आमदनी में भी खुद की इच्छाओं को दबा बेटे की हर इच्छा पूरी की थी उन्होंने। बेटा अंकित भी होनहार था, अपनी पढ़ाई पूरी कर इंजीनियर बन गया था और पढ़ाई के दौरान ही उसको अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई थी। अब उसके रिश्ते भी आने लगे थे। कुछ समय बाद आलोक और सीमा ने सुंदर कन्या देख अंकित की शादी भी कर दी। जब आलोक रिटायर हो गए तब पेंशन पर बड़े आराम से गुजारा हो जाता था। मकान भी उनका खुद का ही था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बहू बेटा हालांकि दूसरे शहर में थे परंतु अधिक दूरी नहीं थी, ट्रेन से बस 2 घंटे में आ जा सकते थे। वे लोग हर एक त्यौहार माँ पापा के पास आकर ही मनाते थे, फोन पर ही रोज ही बात हो जाती थी। कुछ समय बाद बहू की डिलीवरी होने को थी, तब अंकित माँ पापा को लीवा ले गया। आलोक सीमा बहुत खुश थे। सीमा ने वहाँ जाकर घर का पूरा काम भी संभाल लिया था और आलोक बाजार के सारे काम करने लग गया था। बहू बहुत खुश थी क्योंकि अब उन दोनों के आने से वह बिल्कुल टेंशन फ्री जो हो गई थी। काम घर का हो या बाजार का उन्होंने संभाल लिया था। कुछ समय बाद बहू ने बेटे को जन्म दिया। अब तो बाबा दादी का खुशी का ठिकाना ही न था। वे दोनों मानो फिर से युवा हो गए थे। सीमा सुबह जल्दी उठकर किचन में लग जाती और आलोक भी साथ में कुछ ना कुछ काम कराते रहते, जैसे कभी सब्जियों को काटना और कभी साई बनाना आदि आदि। वैसे तो बर्तन और सफाई के लिए मेहरी थी परंतु वह अपने काम करके चली जाती थी। खाना और घर के बाकी काम तो सीमा ही करती थी। इधर कुछ दिनों से बुढ़ापा और कुछ सर्दी में रसोई के काम के कारण सीमा को खांसी हो गई। साथ ही आलोक भी सर्दी अधिक होने से बीमार रहने लगे थे, पर फिर भी वे दोनों ही अपने पूरे काम पूर्वत कर रहे थे। बहुत सारे दिन बेटे को लिए रहती, यदि बच्चा सो जाता तो खुद भी सो जाती या लेटी रहती। अंकित भी काम से वापिस आकर बीवी बच्चे में ही मगन हो जाता, उसे अब न माँ की और न ही पापा की कोई चिंता रह गई थी। वह खुद भी कमरे से ही आवाज़ लगा देता, माँ ये दे जाना या माँ आज खाने में अपनी बहू के लिए ये बना देना और मेरे लिए ये। एक दिन बहू की माँ और बहनें बच्चे को देखने आई, बहू के कमरे में ही सब बैठकर बातें करने लगी। इधर सीमा साय पानी का इंतजाम करने लगी, साय नाश्ता कमरे में रख व लौट आई, पर किसी ने उससे बैठने को भी नहीं कहा। सीमा कुछ देर बाद आलोक को साय देने बहू के कमरे के सामने से गुजरी तो उसके कानों में बहू की माँ की आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, वाह बेटी तुझे तो 2 रोटी में ही काम करने वाली माई मिल गई और साथ में बाजार के काम को नौकर भी, और बहू के साथ सभी जोर से हंस पड़े। ये सुन सीमा तो दंग रह गई, जैसे उसे बहू के सारे खेल समझ आ गए। उसने आलोक से सब कहकर तुरंत वापस चलने के लिए कहा और वे दोनों
अपना सामान बांधने लगे। इधर बहू की माँ और बहन सली भी गई, पर सीमा से मिलने नहीं आई तो आलोक को भी बहुत बुरा लगा। वे उसी समय स्टेशन के लिए ऑटो लेने चले गए। जब तक ऑटो आया तब तक अंकित भी घर आ सूखा था। बहू तो कमरे में ही थी, पर अंकित ने आलोक को सीमा से जाने का कारण पूछा तो आलोक ने ऑटो में बैठते हुए कहा, बस बहू तो बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, अब सहन नहीं करेंगे। हम दोनों तो प्रेम बस तुम लोगों के साथ रहकर सारे काम करते थे, पर क्या पता था कि तुम हमें नौकर समझने लगे हो। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम में यदि जरा सी भी शर्म हो तो तुम अब तभी आना हमारे पास जब हमें नौकर नहीं बाप समझो। ये कह वे दोनों ऑटो पे बैठ चले गए। अंकित कुछ बोल ही नहीं पाया उनसे। जब वह अंदर गया तो पत्नी को बिस्तर पर बैठे देख बोला, कर लिया ना सब गुड़ गोबर। मैं कहता था कि इतना प्रेशर माँ पर मत डालो, पर तुम तो खुद को बहुत होशियार समझती हो। अब करो पैसा खर्च और रखो मेड। कहकर उसने अपना सिर पकड़ लिया।